हाय फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सर आप सभी को जितेंद्र सर टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज मैंने फिर से एक न्यू FLP प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस, आज मैंने एक सैड सॉन्ग को रिमिक्स किया हूँ। आज मैंने जिस सॉन्ग को रिमिक्स किया उस सॉन्ग का नाम है मैं बारिश का मौसम हूँ। तो गाइस, ये सैड सॉन्ग है और इस सॉन्ग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसलिए इस सॉन्ग को मैंने मिक्स किया हूँ और इसका FLM सेटिंग आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस, सॉन्ग काफ़ी अच्छा है और इसके मैंने बहुत ही मेहनत से रिमिक्स किया हूँ, तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो गाइस, सॉन्ग में मैंने बहुत सारे पैटर्न बहुत सारे सैंपल वगैरह यूज़ किए, तो आप लोग इसका FLM सेटिंग देख के ही समझ जाओगी किस तरह से मिक्स किया, तो किस तरह से मास्टरिंग वगैरह किया, किस तरह से मिक्स किया, सारी चीज़ वीडियो के आगे आप लोग को बता दूंगा और सॉन्ग को भी थोड़ा थोड़ा प्ले करके सुना दूंगा। पूरा नहीं सुना सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सुना दूंगा। तो गाइस, सॉन्ग का मैंने वाइब्रेशन पैटर्न और उसके साथ साथ कुछ ढोलकी पैटर्न ब्रेक पैटर्न यूज़ किया और ढोलकी लूप्स भी यूज़ किया हूँ। तो गाइस, पहले सॉन्ग का BPM आप लोग देख लो, इसका BPM मैंने कितना रखा हूँ। तो गाइस, सॉन्ग का BPM मैंने 104.5 रखा हूँ, जो कि ओरिजिनल सॉन्ग का BPM बहुत ही कम था, तो सॉन्ग का BPM थोड़ा बढ़ाना पड़ा। तो गाइस, सॉन्ग को पहले थोड़ा प्ले करके सुन लेता हूँ। तो गाइस, इसको मैंने कुछ इस टाइप का रिमिक्स किया हूँ। स्टार्टिंग में मैंने एक ढोल की लूप्स लगाए हुए आप लोग देख सकते हो, और गाइस इसका BPM सॉन्ग के साथ मैच नहीं कर रहा था, इसके लिए इसको काट करके लगाया हूँ। और गाइस, आगे मैंने एक ब्रेक टाइप का यूज़ किया हूँ कुछ इस टाइप का, और गाइस आगे मैंने एक पैटर्न यूज़ किया हूँ जो वाइब्रेशन पैटर्न है, तो सैम्पल देख लो। और नीचे की तरफ मैंने इस टाइप का कुछ सैम्पल यूज़ किया हूँ, और गाइस इधर मैंने वाइब्रेशन यूज़ किया हुआ और एक घंटी यूज़ किया हो, तो वाइब्रेशन को मैंने कुछ इस टाइप का मास्टरिंग किया हो। तो गाइस, आगे मैंने फिर से एक पैटर्न यूज़ किया हो, क्या क्या सैंपल यूज़ किया हो देख लो। तो गाइस, इस टाइप कुछ वोकल भी यूज़ किया हो, और आगे मैंने एक ब्रेक यूज़ किया हो, कुछ क्लब वगैरह यूज़ करके इस ब्रेक को मैंने बनाया हो, और इधर मैंने पियानो रोल पर एक वोकल यूज़ किया हूँ, और आगे मैंने ढोलकी पैटर्न यूज़ किया हूँ। तो गाइस, आइए और भी आगे सुन लेते हैं। तुषार बाबू। डीजे तुषार बाबू। तो गाइस, सॉन्ग को मैंने कुछ इस टाइप का रिमिक्स किया हूँ, बहुत ही मेहनत से रिमिक्स किया हूँ, बहुत सारे सैंपल पैटर्न वगैरह यूज़ किया हूँ। तो गाइस, पहले इसका मास्टरिंग किस तरह से किया हुआ देख लो। तो गाइस, इस टाइप का कुछ इसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने हटाया हुआ आप लोग देख सकते हो, और गाइस सॉन्ग को मैंने एक जगह पर काट किया हूँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने काट किया हूँ। तो इसका मेन मास्टरिंग में मैंने किया कुछ ऐड नहीं किया हूँ, सिंपल छोड़ दिया आप लोग देख सकते हो, और बीट को भी मैंने कुछ ऐड नहीं किया हूँ, और इधर मैंने वोकल को मैंने कुछ इस टाइप का मास्टरिंग किया हूँ, और इधर मैंने जो पियानो रोल पर वोकल यूज़ किया उसको मैंने इस टाइप का मास्टरिंग किया हूँ। और गाइस, इधर मैंने जो वोकल वगैरह यूज़ किया उसमें इस टाइप का मास्टरिंग किया हूँ, और घंटी को मैंने इस टाइप का मास्टरिंग किया हूँ,
और नीचे की तरफ जो वोकल यूज़ किया हूँ उसको मैंने इस टाइप का मास्टरिंग किया हूँ। तो गाइस किस टाइप का मास्टरिंग वगैरह किया हुआ आप लोगों को दिखा दिया हूँ। तो गाइस पैटर्न को एक बार सुना कर दिखा देता हूँ क्या क्या पैटर्न यूज़ किया हूँ। तो सिर्फ पैटर्न को सुन लो। जी तुषार बाबू तो गाइस इसमें मैंने कुछ इस टाइप का पैटर्न वगैरह यूज़ किया हूँ, इस टाइप का ब्रेक सैम्पल और वोकल वगैरह यूज़ किया हूँ। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से मैंने मिक्स किया हूँ। तो बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स किया हूँ। और गाइस इसका FLM सेटिंग आप लोगों को चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। और गाइस इसका MP3 लिंक भी मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।